कुछ लोग इतिहास को नियति मानकर स्वीकार कर देते हैं, पर माननीय अमित शाह जी निर्णायक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस अभ्यास का संचालन और समन्वय करेगा। आशा ही नहीं विश्वास है आपसे। भारत बहुआयामी राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक संबंधी विषयों पर परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने में शंघाई सहयोग संगठन SCO को एक विशेष महत्व देता है। डेढ़ दशक से ज्यादा समय से भारत शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है। 2005 से भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में SCO में अहम भूमिका निभाता रहा है और 2017 की 70वीं शिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के तहत भारत SCO का पूर्ण सदस्य बना। SCO के इस समय दुनिया का शायद सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन होगा। SCO की वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक GDP का लगभग 20% और विश्व के कुल भूभाग का लगभग 22% का प्रतिनिधित्व करता है। आज SCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ है। SCO ने सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग में सामंजस्य बिठाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच मतलब कि प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कर्गिस्तान की राजनीति में राजधानी बिश्केक में SCO के 19वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए साझा क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SCO सदस्यों के लिए क्षेत्रों में सहयोग के लिए हेल्थ का मंत्र दिया था। यह 6 क्षेत्र है, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य, आतंकवाद की रोकथाम और मानवीय सहयोग। यह मुद्दों पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाने का आह्वान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज का यह संयुक्त अभ्यास हेल्थ के मंत्र में जो अंतिम H है उसका प्रतिनिधित्व करता है, माने मानवीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सभी नागरिकों की ओर से SCO के सभी सहयोगी देश कजाकिस्तान, चाइना, कर्गिज रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन और द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। अगस्त 2017 में SCO के भारत में शामिल होने के बाद मेरे सहयोगी अभी देश के रक्षा मंत्री और उस वक्त गृह मंत्री जी ने आपात स्थितियों की रोकथाम और उनके निवारण के बारे में कर्गिस्तान में हुई SCO के देशों की सरकारी विभागों के प्रमुखों की 9वीं बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में हमने ये प्रस्ताव किया था कि भारत शहरी भूकंप सर्च और बचाव विषय पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर सकता है। हमारे प्रस्ताव का सभी SCO के राष्ट्रों ने दिल से स्वागत किया था और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि संयुक्त अभ्यास का यह विचार आज साकार होने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के सभी SCO देशों का उनके द्वारा दिखाए गए जोश और उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि नवंबर में एक प्रारंभिक बैठक की गई थी, जिसके बाद इस वर्ष फरवरी के शुरू में संयुक्त अभ्यास नियंत्रण संबंधी बैठक की गई। मैं जानता हूं कि ये दोनों बैठक दोस्ती की भावना और उद्देश्य के साथ हुई, जहां हमने इस अभ्यास के सुगम आयोजन के लिए संयुक्त रूप से एक व्यापक एजेंडा तैयार किया था। सहयोग की यह भावना इस संयुक्त अभ्यास की सफलता और इसके बाद की कार्रवाई के लिए शुभ संकेत है। SCO के नए सदस्य के रूप में भारत इस अभ्यास के लिए आप सबके समर्थन और सहयोग को देखकर बहुत खुश है। भारत एक ऐसा पहला देश था जो भूकंप के 6 घंटे के भीतर नेपाल की सहायता में वहां पहुंचा था। भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में नेपाल को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया। हमने लगभग 380 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 14,000 मेट्रिक टन राहत सामग्री भी भेजी थी।